हाँ जी, हम डिस्कस करेंगे आज क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो जो आपका लो ऑफ डिमांड है वह क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव है? क्वालिटेटिव ना, डायरेक्शन बताता है वो, ये तो बताता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, लेकिन ये नहीं बताता कि कितना आ जाएगा। इसके लिए आपका मेजरमेंट आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड अब ये क्या बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? देखो आप कैसे डिफाइन करोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, बताइए आप मेरे को, आप कैसे करोगे डिफाइन? करेंगे कि भाई आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनमें चेंज आने से, उनमें परसेंटेज चेंज आने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आए, उन दोनों का रिलेशनशिप बताया जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स। ठीक है, अब आपके जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या तो वो होगा आपका प्राइस है ना, या आपके कंज्यूमर की इनकम होगी, या फिर आपकी होगी सब्स्टिट्यूशन गुड्स का जो इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स की है जो प्राइसेस है या उसकी डिमांड है। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल तीनों के केसेस में ही क्या बनेगा, क्वांटिटी डिमांडेड, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। और हमने क्या कहा है कि इन में जो परसेंटेज चेंज आया है तीनों में, और इनका जो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा डिपेंडेंट वेरिएबल का, किस पर, क्वांटिटी डिमांडेड का, वो क्या बनेगा आपका, वो बताएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे क्या, सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में, मीनिंग बेसिक आपको क्लियर है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो क्या करें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे लिखेंगे, है ना। अब इसका अब बात बोलोगे वो जो आपने पहली बार बोले, क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, ओके, तो आप लिखते हो, मान लो हम ऐसे लिखते हैं ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, आप अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाले ना, अगर आपको फॉर्मूले में लिखना हो, ध्यान से देखना पूछा क्या गया, मैं बिल्कुल बारीक से बातें बता रहा हूँ आपके, क्या एरर हो सकती है, क्या होने वाली है आपको। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर ये नहीं लिखा, प्राइस इलास्टिसिटी लिख रखो, ऐसे नहीं, बेसिकली जैसे हम सीधा डी से यहाँ पर सीधा वो लिख देते हैं कि सीधा प्राइस ही डिनोट करते हैं, बेसिकली इसका ये है आपका डिनोट करने का है। अदरवाइज जो इलास्टिसिटी ऐसे दिखाया जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या इसके ऊपर लिख सकते हो आप क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। इलास्टिसिटी दिखाने के लिए परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तीनों में कोई भी आ जाएगा फिर आपका। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी में आपका आया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ये माइनस का बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लो ऑफ डिमांड कहता है ना, लो ऑफ डिमांड ये चीज कहता है। ठीक है ना, ओके, तो ये हुआ आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, निकाल लिया। फॉर एग्जांपल आप इसके निकालने क्वेश्चन निकालना, क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके जो करंट जो प्राइसेस है आपके, वो तो है आपके ₹100, और जो आफ्टर वन ईयर जो आपके प्राइसेस है वो आपके हो गए हैं ₹80। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड जो आपकी है वो पहले थी 1000, और अब क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपकी होगी 2000। तो आपको कैलकुलेट करनी है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, करिए शाबाश शाबाश, करिए कैलकुलेट। देखो भाई हमें क्या निकालना है, चेंज कितना चेंज आया है, तो देखिए पहले प्राइसेस थे 100 और अभी हो गए आपके 80, तो चेंज आया 20 डिवाइड में 100, तो कितना चेंज आ गया आपका, कितना चेंज आया, मैंने तो ठीक कर दिया, मतलब हाँ, अरे वो पहले परसेंटेज तो निकाल लो, 20% का चेंज आया है ना, 100 से 80 हुआ है आपका, 100 से 80 हो तो 20% का चेंज है। ठीक है, ओके, अब क्वांटिटी डिमांडेड का देखा आपने, क्वांटिटी डिमांडेड पहले थी आपकी
और अब है आपकी, तो जो चेंज आया वो आपका आया 1000 यूनिट का, और नीचे भी आपका 1000 मल्टीप्लाई 100, तो कितना चेंज आया 100% का, ठीक है। अब जो इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है आपका वो ये है आपका, क्या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो कि आपका 100% है डिवाइड में परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, वो क्या आपका 20%, और आंसर क्या है आपका 5। अब एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये जो आंसर आया ये किस तरीके से आया, ये आया भी हुआ है कि वो ऐसे आया, ये जो 5 लिखा है आपका ये कैसा लिखा जाएगा, ऐसा लिखा जाएगा 5% लिखा जाएगा, या सिंपल सा 5 लिखा जाएगा, या फिर आपका 5 रुपये लिखा जाएगा, सिंपल सा एक प्योर नंबर लिखा जाएगा, या किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑल फॉर्म, बताइए कैसे लिखा जाएगा इसको, परसेंटेज में लिखेंगे, इलास्टिसिटी को कैसे लिखेंगे परसेंटेज में, बीकॉम में पढ़ी है, प्लस टू में पढ़ी है, अभी फिर पढ़ रहे हो, कैसे लिखेंगे। जो इसका रिजल्ट आता है ना तो 5% में आता है ना रुपीज में आता है, इसमें आएगा आपका रिजल्ट जो आएगा वो आपका आएगा इसमें प्योर नंबर में। हाँ देखो बात सुनो मेरी बात, नहीं नहीं मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये 5 आया है इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड बड़ी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये इनवर्स रिसीव होता है इसकी कम आती है, मतलब जो चेंज आया हो, ये सिर्फ क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है कि किस तरीके से आया, ये जो वैल्यूज आ रही है लो अलग बात थी, लो ने अलग बात बता दी कि भाई डायरेक्शन कैसे बनेगा, वो डायरेक्शन ने बता दी अपनी बात बताने, यहाँ पर बात क्या बता रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ये आ रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, इन्वर्स है ना, कि अगर भाई प्राइसेस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो आप इस तरीके से आप समझिए, तो ये आपकी जो वैल्यू की ऐसे ही आएगा 5 ही आएगा पूरा, ऐसे ही कह सकते हो आप, माइनस 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 प्लस हो गया, ऐसे भी कह सकते हो, हाँ इग्नोर कर लो या आप सीधा 5 लिखेंगे, क्लियर हो गई बात आपको, ठीक है, माइनस लगा हुआ है लेकिन माइनस माइनस हो, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप पे एक और माइनस लग गया प्लस हो गया, या आप ये देखिए जो क्वांटिटी डिमांड, एक तो पक्का कम होएगा, या तो प्राइस कम होगा या क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो नीचे जो आपका नीचे आ रहा है ना प्राइसेज, तो यहाँ से यहाँ प्लस हो जाएगा, ये ऊपर वाला कम हो गया तो ऊपर से प्लस हो जाएगा, नहीं आई बात समझ में, इसका प्लस होना तय है क्योंकि एक चीज पक्का नेगेटिव होगी इनमें से कोई ना कोई, तो एक अगर यहाँ है माइनस, एक माइनस यहाँ हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो सिंपल सी बात है, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक पक्का माइनस का मिलेगा, जैसे यहाँ देखिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर जो आपने लिखा अभी प्राइसेस कम हुए थे ना, ये माइनस लग गया, यही बात थी ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस भी कह सकते हो आप, और इधर क्या आया, या ये देखो आप इधर इसको वो करेंगे तो माइनस के 5 आ गए ना, और माइनस माइनस प्लस हो गया, कैसे भी कर लो आप, आना प्लस का ये नहीं, कैसे हो जाएगा करेक्ट, करेक्ट दिखा दो आप, या तो वो आंसर की गलत है, अब आप मैथ भी लगा लो आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो आपका लिखा 100% ऊपर लिख दिया आपने, और नीचे लिख दिया आपने -20% का चेंज आया, ऐसे लिखा है ना आपने, और नीचे आगे माइनस का ये 5, पहले माइनस को आप अलग ही रखो, आपका ये आंसर जो आया ये क्या आएगा, -5 आएगा ना, और माइनस ऑलरेडी माइनस था, अभी क्या बन जाएगा प्लस बन गया, आगे समझ में, इस तरीके से इसकी वैल्यू आप 5 लिखे, हो गई बात क्लियर, ठीक है। उसके बाद आया आपकी कौन कौन सी आपकी डिग्री होती है, मीनिंग अच्छे से क्लियर है आपको, क्या बताता है ये आपका, डायरेक्शन भी बताता है, मैग्नीट्यूड भी बताता है, वैल्यू कैसे आती है ये भी आती है। देखो आप एक और बात समझो, आप बिल्कुल बारीक बारीक सी बातें आप इग्नोर करके चलते हैं, पता सबको है कि 5 आएगा, जब तक आप क्वेश्चन में एरर नहीं करके आएंगे तब तक आप सीखोगे नहीं, या तुक्का लगे, अब आप खुद भी बताओ आप यहाँ लगाते हैं तो क्या लगता, हाँ भाई इसका रिजल्ट इसमें आएगा, आपने क्लियर हो गया। अब बात आई इसकी डिग्री की, ठीक है, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पढ़े ना, तो डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, कौन कौन सी प्राइस इलास्टिसिटी होती है, डिग्रीज होती है, तो देखो एक तो ऑप्शंस आपके पास आया कि हम क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि प्राइस में चेंज आया
तो क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या फर्क पड़ेगा, हमने यही चीज पढ़ी है। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं इस वजह से, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, मतलब डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस पे, इसलिए हम बार बार यही बोल रहे हैं कि प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड पर पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड पर पड़ेगा। तो हम बात करें कि प्राइस में थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा चेंज आया और हलचल मच जाए मार्केट में बहुत ज़्यादा, मतलब इन्फिनिटी लेवल तक चल जाए, तो इलास्टिक हुई या इनलास्टिक, पहले आप समझिए, बहुत आपको वो करेगा, थोड़ा सा पजल करेगी चीज़ें। थोड़ा सा भी चेंज आया प्राइस में, वो आपको क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा हलचल मच की मार्केट में, इलास्टिक हुआ या इनलास्टिक, चूहे का नहीं होता, चूहा जिसमें पिंजरे में बंद होता है वो थोड़ा सा उसको लगाता है, जैसे उसका कहीं टच करता है उस रोटी को, तुरंत बंद हो जाता है वो, तो इलास्टिक है इनलास्टिक, इलास्टिक है ना। तो अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके प्राइस में बिल्कुल माइनर सा चेंज है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में आपका इन्फिनिटी लेवल तक चेंज है, या डिमांड में आपका इन्फिनिटी लेवल चेंज है। यहाँ पर मैं डिमांड बोल सकता हूँ, लो ऑफ डिमांड में नहीं बोलूँगा, यहाँ बोलूँगा, ठीक है, डिमांड ऐसे इन्फिनिटी लेवल तक चली गई। तो आपका जो फर्स्ट डिग्री बनी वो क्या बनी आपकी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक मतलब चेंज करने की हालत में नहीं हो आप, अगर चेंज कर लिया तो आप क्या होगा, इन्फिनिटी लेवल तक चले जाओगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पर आप इसको ग्राफ जो बनेगा वो ये बनेगा, ये प्राइसेस है आपकी, ये क्वांटिटी डिमांडेड है प्राइस में, अब ये ना माइनर सा, आपको ऐसे ग्राफ देखा होगा आपने, है ना, ऐसे ग्राफ देखा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या माइनर सा कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, या तो थोड़ा सा बढ़ा दो, थोड़ी सी बढ़ा दी जीरो पे ले आएगा, और थोड़ी सी भी आपने कम कर दी इन्फिनिटी लेवल तक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, इन्फिनिटी, क्या बनेगी आपकी, इन्फिनिटी। परफेक्टली इलास्टिक्स मीन्स कि आप प्राइसेस में थोड़ा सा भी चेंज कर दो, क्वांटिटी डिमांडेड इन्फिनिटी लेवल तक आपके चेंज हो जाए, फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरी देखिए आप, आपके पास आई परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, चाहे प्राइसेस आप ये रखो, चाहे प्राइसेस ये रखो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी होगी, चाहे ये रखो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी होगी, कोई फर्क पड़ा, यहाँ पर क्या आपकी ईडी जीरो। देखो लॉकडाउन लगा था, कुछ कर लो, डिमांड तो हो रही थी कि खाने पीने के लिए चीज़ चाहिए, ऐसे ही आदमी चाहे कितना ही कम पैसा कमा रहा हो, भाई खाने पीने के लिए अरेंजमेंट सब करते हैं, तो ऐसे जो आपके नेसेसिटी के गुड्स होते हैं उनके केसेस में क्या होगी कि आपकी ये जीरो ही रहेगी, आपको इतना पैसा तो आपको मतलब इतना ही तो भाई क्वांटिटी चाहिए ही चाहिए, आटा चाहिए बिल्कुल चाहिए, प्राइस चाहिए इसके कितने ही कर लो, 10 रुपये था, 20 था, 40 था, उतना ही आटा लेके आते जो इतना पहले आता था आपके घर में, इनकम बढ़ गई तब भी आपका आटा उतना ही आ रहा है ना, फर्क नहीं पड़ा उस पर, नेसेसिटी के गुड्स के केसेस में होते हैं, ठीक है। तीसरा केस आया आपके पास क्या, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी ED इज इक्वल टू 1। यहां पर क्या है, जितना परसेंटेज चेंज आपके प्राइस में आएगा सेम परसेंटेज आपके क्वांटिटी डिमांडेड में आएगा, ठीक है। और इसका जो बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल भी देंगे, मान लो आपके ना प्राइसेस थे पहले प्राइसेस थे आपके 5 रुपये मान लेते हैं, ठीक है, और अब जो प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं आपके, अब वो बढ़ गए हैं, वो हो गए 10 रुपये, 100% बढ़ गया, ठीक है। पहले क्वांटिटी जो डिमांडेड थी आपकी वो थी 2000, ठीक है, और अब क्वांटिटी डिमांडेड है ये बढ़े है ना, कितने लिखे, 0 करनी पड़ेगी तब बनेगी बात, बनी नहीं ये बात भाई वो इस एग्जांपल में। हाँ भाई देखो क्या कि हमने प्राइसेस पहले थी आपकी 10 रुपये,
प्राइसेस थी आपकी पहले तो थी 10 रुपये और अब प्राइसेस हो गई आपकी 15 रुपीज़। क्वांटिटी डिमांडेड जो थी पहले 2000 थी और अब आपकी हो गई है 1000। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज आया 10 से हो गया 15, 10 से 15, 5 का चेंज आया 10 पे, तो कितना चेंज आया 50% का, 50% इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर आपका 2000 से 1000 हो गया, तो यहाँ पर कितना आया 50% का आपका डिक्रीज हो गई क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और जब हमने इसको फॉर्मूले में लिखा तो 1 आएगा, यानी 50% तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज और आपका ये आपका 50%, तो इसका आपका 1 यूनिटरी आया। ठीक है, और जब इसको प्लॉट किया आपने तो यहाँ पर हमने लिखा 10 पर क्वांटिटी कितनी डिमांडेड थी, 10 पर क्वांटिटी डिमांडेड थी आपकी 2000 और 15 पर थी आपकी 1000। ठीक है, और इसका जो ये बनेगा अगर आप इसमें एक और प्लॉट करोगे ना तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रेट लाइन मत बना देना कि आप स्ट्रेट बना दो, जैसे जैसे बनाओगे ना तो अलग अलग बनेगा। और जब भी आप ऐसे बनाओगे यूनिटी का केस बनेगा तो यहाँ पर देखो स्लोप इक्वल है या अनइक्वल, मतलब ये स्लोप और इनमें कौन सा इक्वल है, ए स्लोप या बी स्लोप, इक्वल स्लोप कौन सा लग रहा है आपको, ए आपको इक्वल लग रहा है और ये आपका अनइक्वल। ये आपका इस बार जब आपकी इलास्टिसिटी 1 हो वहां पर आपका स्लोप होगा अनइक्वल, और इस सिचुएशन को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद रहे ये वो सिचुएशन है जहां पर हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो होगी 1 और स्लोप होगा अनइक्वल। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है और आता रहेगा इस तरीके से। ये देखो ये जो बना है आपके पास, ये देखो स्लोप क्या है आपका, हर पॉइंट पर कहीं लिखूं मैं इलास्टिसिटी 1 होगी, यहां पर भी इलास्टिसिटी 1 होगी, लेकिन स्लोप क्या है आपका अनइक्वल। अगर अनइक्वल है तो ये क्या बनेगा आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक तो यहां बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक आपका बनता है एवरेज फिक्स कॉस्ट में, कहां पर बनता है एवरेज फिक्स कॉस्ट में, वहां पर भी जैसे जैसे कॉस्ट कम होगी ना तो वो भी घटता ही चला जाएगा ऐसे, तो उसका भी क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहां बन गया। और एक केस होता है आपका एएफसी के केसेस में, एवरेज फिक्स कॉस्ट के केस में। ठीक है, आया समझ में, कलर हाइपरबोला बोला इलास्टिसिटी ऑफ 1 पढ़ लिया। इसी तरीके से जो फोर्थ बना आपका ग्रेटर देन यूनिटरी, एक से ज्यादा। अब इसमें क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये बात याद रखना, यूनिटरी ज्यादा है तो ये ज्यादा होगी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन होगी परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, तो ये जो बनेगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया वो आया 15% और ये आया आपका मान लो 10%, इससे ज्यादा है ना। अब इसको हम प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से बनेगा 15 डिवाइड में 10, कैसा भी लगा लो, इन्वर्स जैसा भी, ऊपर माइनस लगा लो नीचे लगा लो, कैसा भी कर लो, और जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1.5, ग्रेटर देन यूनिटरी आ गया। और ये जो स्लोप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा फिर आपका, ये थी आपको मैंने क्या मानना है 15 क्वांटिटी डिमांडेड मानना, परसेंटेज चेंज ये 15 का चेंज, ये 10 का, ऐसे बनेगा और ये फिर ऐसे बन जाएगा, ये टच नहीं करता भाई इधर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बना आपका ग्रेटर देन यूनिटरी, और इसी तरीके से आपका बन जाएगा लेस देन यूनिटरी में इससे कम होगा, जैसे ये आपका 10 है, ये आपका 15 है, ये जो वैल्यू आएगा 0.66। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख देंगे, यानी उससे कम आएगा, ये याद ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट में भी आ जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अगर कम है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका मतलब क्या है, लेस देन वन होगा। ठीक है, ठीक है ना, ये थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये 5 डिग्री होती है आपकी फोर्थ। इसमें देखो क्या हुआ, इसमें जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो ज़्यादा थी, यानी ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज आया, परसेंटेज चेंज वहाँ पर आया 15% का चेंज,
और जो आपके प्राइसेस थे उसमें कम चेंज आया, जैसे वहाँ पर 10% का ही चेंज आया, तो यानी क्या होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो एक से ज़्यादा आएगी, ग्रेटर देन यूनिटरी हो गया, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा चेंज आया, इक्वल चेंज नहीं आया, क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा सा ज़्यादा चेंज आया, लेस देन यूनिटरी में एक से थोड़ा सा कम आया, तो ये रिलेशनशिप ऐसे बनेगा। ठीक है ज्योति, ठीक है, ओके। तो ये पाँच आपकी डिग्री होती है और